हेलो स्टूडेंट्स, हम 26 तारीख सेकेंड मीटिंग के पेपर को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हिंदी देखते हैं। पेपर हिंदी का ठीक आया था, अच्छा आया था। जीके का पोर्शन टफ आया था थोड़ा। देखेंगे, हिंदी देखें पहले। निम्न में से तलाक शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तलाक शब्द का तद्भव का क्या होगा? तालाब होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयालु में ए ऑप्शन अलू है। ठीक, केवल हम आपको आंसर बता रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो होगा आपका डी, तीरथ। तीरथ शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? सभी शब्द पुल्लिंग है किसमें? ये देखिए बी है, कौवा खरगोश मंडल, सभी शब्द पुल्लिंग है। कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? वो तो सबके कान कतरे हैं, यानी कि बहुत अधिक चालाक होना। ठीक, क्या होगा ऑप्शन? कान कतरे हैं, सबके कान काटे हैं। ये तो मुहावरा बोलते भी हैं आप, तो कान काटे हैं मतलब बहुत अधिक चालाक होना, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध कौन सा होगा? ये होगा, कितना सुंदर चित्र है यह, ये होगा बी, कितना सुंदर चित्र है यह, यह कितना सुंदर चित्र है, यह होना चाहिए सही। तो आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भाषाओं और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, शीर्षक को चयन, तो इसमें शीर्षक को चयन नहीं होगा, क्या होगा? शीर्षक का चयन। ठीक, शीर्षक को नहीं होता, शीर्षक का होता है, गलती कहाँ है? ए पर्सन में। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? ग्रहणी, देखिए तत्सम है, बी ऑप्शन है, गोला भी लगा दे रहे हैं हम, लिख भी दे रहे हैं, ग्रहणी शब्द क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? किसमें शब्द अर्थ भेद सही नहीं है? तो ये आपका होगा, नौ का होगा सी, ये कुल वंश। बल्कि विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा शब्द सही नहीं है, ये हम इस पे जाएंगे, ए, ठीक है, ये आया आपका। ठीक, सी हमने बताया था, सी नहीं है आपका, ए है। बलि माने देखिए बलवान, ठीक है, और बलि माने गाय नहीं होता है, गाय नहीं होता है। इसमें बता पूछा गया था कौन सा अर्थ सही नहीं है, तो बलि माने होता है ना, जानवरों की बलि दी जाती है, तो वो गाय, ये ए ऑप्शन आपका होगा इसमें, ए। ठीक, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द चरम धर्म का उचित अर्थ है? चरम और धर्म का, चरम और चर्म, चरम और धर्म नहीं है, सॉरी, चरम चरम और चर्म, सरल है, ए हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? सी, ए नहीं, सी। ठीक, तो इजी है, चरम मतलब अंतिम, अंतिम सीमा किसी भी चीज़ की, चर्म माने चमड़ा, ये तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है, मेरा मित्र है, कि किस प्रकार का वाक्य बताना है? किस प्रकार का वाक्य है? जो गली में रहता है, जो किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। संयुक्त मिश्र और सरल वाक्य खूब पहचानने को दो तीन वाक्य दिए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकेंड में भी। घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या है? खुशियाँ मनाना, डी ऑप्शन। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आसमान पर चढ़ा दिया, बहुत प्रशंसा कर दिया है, अत्यधिक प्रशंसा करना। एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए, एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। ठीक, क्या होगा? एक अनार, एक बीमार, सौ बीमार, एक वस्तु के एक से अधिक ग्राहक होना, ए ऑप्शन आपका। एक और देख लिए वाक्य, बता दिए, पूछा गया कौन सा वाक्य है, ये किस प्रकार का? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ, अपने लाभ से वंचित रहता है,
किस प्रकार का है? यह है देखिए संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। चलिए अब कुछ अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे हम, सीधा प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। क्या है? कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? क्या छुपाते हैं समय की कमी के बहाने? अपनी अकर्मठता और आलस्य। ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट। विद्यार्थी की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? समय की कीमत समझना। समय की कीमत समझना विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। डी ऑप्शन। कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? ऑप्शन है आपका सी, समय बीत जाने पर किसी स्थिति में कार्य फलप्रद नहीं होता। ऑप्शन सी आ गया। अकर्मठता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? अकर्मठता में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो यह आपका सी आएगा ऑप्शन। उपसर्ग है ता और प्रत्यय है अ। ठीक, 19 का क्या होगा? सी, अकर्मठता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है सी ऑप्शन। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों को सफलता का रहस्य क्या है? समय के बारे में बताया गया है, तो समय का सदुपयोग ये है। क्या होगा? बी, समय का सदुपयोग दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति से पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? कौन सा कथन उपयुक्त होगा? समाप्ति के पूर्व और हस्ताक्षर के ऊपर कौन सा है औपचारिक पत्र में? तो देखिए इसमें आप भवदी लिखेंगे। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अग अग बास समानी। बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध लाइन है। अनूप जलोटा की गजल फेमस है। तो पूछा गया है दी गई पंक्तियों में किसके द्वारा रचित पद का अंश है? ये किसके द्वारा रचित है? यह है रैदास, संत रैदास द्वारा रचित है ये। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सी विकल्प है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ये कौन समूह सही नहीं है? कौन सा समूह दिया हुआ है? ओष्ठ, कंठ, मूर्धन्य और वत्सद। कौन सा समूह सही नहीं है? आपका सी। देखिए ये मूर्धन्य है, ये समूह सही नहीं है, सी विकल्प होगा इसमें। क्या होगा? ये होगा सी, ये समूह सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हस्पद विराम चिन्ह कौन सा है? हस्पद विराम चिन्ह, तो ये है आपका डी ऑप्शन। हस्पद विराम चिन्ह देखिए लगा हुआ है, ये डी ऑप्शन में। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? संयुक्ताक्षर व्यंजन बताना है, तो ये है आपका ए। ए ये देखिए, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। विकारी शब्द के प्रकार पूछे गए हैं, तो विकारी आपके चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द ना जाने कोई। ठीक है, ये पंक्तियाँ बताना है किसकी है, तो सरल है, मीराबाई की है। मैं तो प्रेम दीवानी है, सी ऑप्शन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इससे सरल प्रश्न क्या आएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई इसको होगा वर्ण। ठीक, अगला है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? कौन सा प्रयोग होगा? ये प्रयोग होगा उद्धरण चिन्ह। ठीक, किसी के द्वारा कथन मूल रूप से लिखने के लिए कोई कथन लिखना है तो उद्धरण चिन्ह प्रयोग होगा, सी ऑप्शन है आपका। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से सभी शब्द किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? सभी शब्द अनेकार्थी किसके हैं? देखिए दल, अनि और रिपु, ये आपका होगा बी विकल्प, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक, ये अनेकार्थी हैं। दल का, अनि का और रिपु, ये अनेक अर्थ वाले हैं। और इसी तरह दल, गुरु और पतंग, ये सभी शब्द अनेकार्थी हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी, बी में क्या, एक और चौथा। देखिए संभव है हम कल हम सिनेमा देखने जाएंगे। वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? ये हुआ है ए, संभाव्य भविष्यकाल, ए ऑप्शन, संभाव्य भविष्यकाल में। महाओजस्वी का संधि रूप क्या है? महाओजस्वी का संधि रूप यह है ए, क्या है? महाओजस्वी, महोजस्वी बोलेंगे इसको, ए। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, 33, एक और देखिए सरल प्रश्न, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन नंबर बी। पंडित जी हवन कर कथा कर कह रहे हैं, तो में कर में कराकर कौन सी क्रिया है? पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, तो में कराकर में बताना है कौन सी क्रिया है, तो ये हो गया कि पूर्वकालिक क्रिया, डी विकल्प जो है दिया हुआ है डी, कराकर, एक साथ दो काम होते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक किस क्रिया का किस में प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसमें हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, चोर सिपाही चोर को पकड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है बताना है, स्कूल से बहुत दूर है, इसमें है आपका सी, कौन सा है? आपादान कारक है, सी है कौन सा कारक? आपादान कारक। एक और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? कौन सा समास सही है ये बताना है। ये देखिए, ये आपका डी सही है, शरणागत कैसा है? शरणागत है आपका तत्पुरुष समास, डी नोट कर लीजिए, शरणागत आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सही विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम युग्म नहीं है ये बताना, नहीं आया है, तो इसमें देखिए ए है, आसक्ति का अनासक्ति होना चाहिए, नास्तिक दिया हुआ है, ए, ए विकल्प आपका सही है। अधोलिखित में इसमें अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ, डी। करुण शब्द का स्थाई भाव, करुण का शोक होता है, सी विकल्प। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रस है बताना है, कौन सा रस है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वात्सल्य है, किलकत कान घटुरमन आवत, फेमस लाइन है, तो इसमें वात्सल्य रस है, बी लिख देते हैं। अगला, शेष महेश गणेश दिनेश सरेसुग जहित निरंतर गावे, इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें आपका अलंकार हो जाएगा किस, कौन सा? अनुप्रास, ठीक, फर्स्ट मीटिंग में भी अनुप्रास से पूछा गया था, तरनु तरल तटू तटुजा तरतमाल तरवर बहुछावे, ये अनुप्रास अलंकार, तो सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया अनुप्रास अलंकार। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष शब्द में सी अधि है, ठीक, सी ऑप्शन है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? ये होगा जिसे जाना ना जा सके, उसको कहते हैं अज्ञेय, विकल्प बी। जिसका उपचार या हल ना हो उसके लिए क्या होगा?
तो बहुत सरल है, असाध्य, इसका कोई उपचार नहीं है और हल नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, बताना है सही वर्तनी किसकी है, तो होगा आपका उत्कर्ष। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, परस्पर पर्यायवाची किस में नहीं है, सी वाज्य सैंधव नेत्र। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, ठीक। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है, प्राण सूख जाना को क्या बोल देंगे हम, बहुत सरल है डी। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सरल आए हैं हिंदी में, डी बहुत डर जाना, प्राण सूख गए। अगला है, निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, देखिए डी ऑप्शन नहीं, कौशल और पटुता, दक्षता, प्रवीणता है, डी ऑप्शन सुर सरिता, ये कौशल और चातुर का पर्यायवाची नहीं है। 26 तारीख फर्स्ट मीटिंग का भी हिंदी का पेपर इजी आया था, देखिए, और ये सेकेंड मीटिंग का भी हिंदी का ठीक आया है, इजी है, ठीक। कुछ क्वेश्चन है डिफिकल्ट, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, डी सुर सरिता। पीपर पात सरस मंडोला, इस शब्द पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा है, देखिए इसमें है आपका उपमा अलंकार, उपमा, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न रहे 50 क्वेश्चन 26 तारीख की सेकेंड मीटिंग वीडियो एग्जाम का, ठीक। चलिए रीजनिंग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जीके का भी हमारा वीडियो पढ़ा हुआ है, देखिए इसको।